BJP workers led by the party's Delhi unit chief Satish Upadhyay staged a protest against the Arvind Kejriwal-led AAP government on Tuesday over the recent power tariff hike of 6%. Raising slogans against Kejriwal and the Aam Aadmi Party government, the protesters marched towards ITO. The police personnel deployed on duty used water cannons to disperse the protesters. निश्चित रूप से हमारा जो आज का प्रोटेस्ट है वो केजरीवाल सरकार ने जो जनता के साथ वायदे किए थे उस वायदों में वो पूरी तरह से नाकाम हुई है और कंप्लीटली फेलियर सरकार है। जिस मॉरालिटी को लेकर के नैतिकता को लेकर ये सरकार आई थी उस पर भी वो पूरी तरह से फेल है। एक तो सरकार ने बिजली के संदर्भ में कहा था कि हम सरकार में आएंगे तो मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो मैं देखूंगा कि मैं एक रुपया भी बिजली का नहीं बढ़ने दूंगा, लेकिन बिजली के दाम आज 6% बढ़ गए, लोगों को बिजली मिल नहीं रही और इसलिए ये सरकार की जिम्मेवारी है। सरकार का 49% शेयर बिजली कंपनियों में है और सरकार अगर इन रेट्स को नहीं रोक पाती है तो सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। दूसरी बात, उन्होंने भ्रष्टाचार की बात कही कि भ्रष्टाचार में करोड़ों रुपया उन्होंने खर्च कर दिया, लेकिन केजरीवाल साहब के यहाँ बैठे हुए अधिकारी ही इन भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजेंद्र कुमार, जिनके संदर्भ में ही क्वेश्चन मार्क लग गया है और उनके बारे में जो जिस तरह के आरोप लगे हैं, संगीन आरोप उनके संदर्भ में लगे हैं कि बेनामी कंपनियों के माध्यम से उन्होंने पीएसयू के माध्यम से पैसे को साइफन किया है, ये आरोप हैं और उनके एक अफसर ने ये आरोप लगाए हैं और वो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं। तो हम ये चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच होने के लिए, जब तक निष्पक्ष जांच नहीं हो जाती तब तक जिनको आपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया हुआ है उनको उनके पद से हटाना चाहिए। लेकिन सर ये भी कह रहे कि एसीबी के तहत इंक्वायरी भी की जाएगी, इसलिए मैंने कहा कि एसीबी में उनकी कंप्लेंट हुई है, एंटी करप्शन में हुई है और आपकी ये नैतिकता बनती है कि आप इस तरह के अफसर जिनके बारे में क्वेश्चन मार्क उठाए उनको निश्चित रूप से आपको जब तक निष्पक्ष जांच नहीं हो जाती वहां से उनको हटाना चाहिए। और भ्रष्टाचार तो आपके सेक्रेटरिएट के अंदर घुसा हुआ है। आज आपने 35 अफसर की बात की है, उन 35 अफसर में से 33 दिल्ली सरकार के हैं, 2 एमसीडी के हैं, 1 दिल्ली पुलिस का है और जो अफसर है वो भी अफसर नहीं है, कोई चपरासी है, कोई वेंडर है, कोई प्राइवेट शॉपकीपर है, कोई दुकानदार है, उनको आपने अफसर कर दिया। दिल्ली की जनता को धोखा देने का काम, दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाने का काम, भ्रष्टाचार केवल आपके वोट लेने का एक माध्यम है। केजरीवाल साहब पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं, उनका जो भ्रष्टाचार का चेहरा है, जो उनका दूसरा चेहरा है वो निश्चित रूप से आया और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की जनता के लिए निश्चित रूप से संघर्ष करती रहेगी। द दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन हैड लास्ट वीक अप्रूव्ड अ टैरिफ हाइक ऑफ अप टू 6% फॉर 3 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज ऑपरेटिंग इन द रीजन। The hike, which came into effect from June 15th, will be applicable for the next 3 quarters. Correspondent Rakesh Joshi from New Delhi for ANI.